हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सेलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन की थ्योरी को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बीएड में भी, और बीएड के बाद अगर आप सीटेट के लिए अपियर करते हो तो उसमें भी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज अ थ्योरी दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950s बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट एरिक एरिक्सन। जो एरिक्सन की थ्योरी थी, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये कब इंट्रोड्यूस की गई? 1950s में इंट्रोड्यूस की गई। ओके, द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ साइकोसोशल क्राइसिस विच कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो हर एक स्टेज में होती है, ठीक है। हर एक स्टेज में एक क्राइसिस है, एक हर्डल है, आप बोल सकते हो एक रुकावट है, जिसको उसको रिजॉल्व करना है। अगर वो रिजॉल्व कर लेता है उसको, तो उसका पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। और अगर वो स्टेज में वो क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो हर्डल को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? नेगेटिव पर्सनालिटी उसकी डेवलप होगी। ही इज़ फेमस फॉर कॉइनिंग द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। अब एरिक्सन जो है वो ये टर्म के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये टर्म उन्होंने डिराइव किया है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूज है, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कन्फ्यूज है, सो दैट इज़ आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, अब इन्होंने कुछ 8 स्टेजेस दिए हैं, तो ये 8 स्टेजेस इंसान अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक्सपीरियंस करता है। एरिक एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोजेस दैट आर पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू 8 स्टेजेस। हमारी एक पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो ये 8 स्टेजेस से डेवलप होती है। सबसे पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकेंड स्टेज इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्टेज 4 इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। स्टेज 5 इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। स्टेज 6 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 7 स्टेज है हमारा जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट स्टेज है हमारा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। सो ये 8 स्टेज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, सो सबसे पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अकर्स बिटवीन बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एज। तो ये कब होता है? बर्थ से लेके 18 महीने तक, जिसको हम इन्फेंसी पीरियड भी कहते हैं। वर्चू है यहाँ पे होप, और इंपॉर्टेंट इवेंट है फीडिंग, इसको हम समझते हैं अभी। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयरगिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी केयर एंड अफेक्शन। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट। अब देखो, यहाँ पर बच्चा जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अदर्स पे। किस पे? अपने पेरेंट्स पे या फिर अपने केयर गिवर्स पे, है ना। तो यहाँ पर जो है माँ जो होती है वो बच्चे को फीड करती है, और फीड अगर सही से करती है तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अगर उसका सही से ख्याल रखा जाता है, उसकी सही से देखभाल की जाती है, तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है थ्रू फीडिंग। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसको सही से फीड नहीं किया जाता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट आने लगता है। क्लियर है? तो अगर उसका सही से ख्याल रखा जाएगा तो उसके अंदर एक होप आएगी। होप मतलब एक उम्मीद जागेगी कि हाँ, अगर मैं कोई मुश्किल में आता हूँ तो मेरे लिए कोई है, मुझे संभालने कोई है, ठीक है, उसका ख्याल रखने कोई है। तो वो होप उसके अंदर, एक उम्मीद उसके अंदर जागती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर मिसट्रस्ट आने लगेगा अपने वर्ल्ड को लेकर, अपने सराउंडिंग्स को लेकर, अपने जो है समाज को लेकर। क्लियर हुई बात? सो ये है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो होती है बर्थ से 18 मंथ्स तक का। क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेज इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ये स्टेज होता है 18 महीने से लेकर 3 साल के बीच में, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं, और जिसमें हमारे आ जाते हैं टॉडलर्स। ओके, वर्चू है विल, और इंपॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग। नाउ दिस इज द मी डू इट स्टेज। ये स्टेज को मी डू इट स्टेज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा हर काम, हर चीज़ खुद से करना चाहता है, इसलिए इसको मी डू इट स्टेज कहा गया है। चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर बच्चा अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, और वो चाहता है कि वो हर काम खुद से करे, अपने क्लोथ्स को, अपने ड्रेस को, अपने आउटफिट को खुद से सेलेक्ट करे, चूज करे, भले से वो सिचुएशन से मैच करता हो या ना करता हो, भले से वो जो है
चप्पल सही पैर में पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, लेकिन उनको करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उनके अंदर आता है, सेल्फ एस्टीम उनका जो है डेवलप होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सक्सेस ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, अगर उनको ये स्टेज में सक्सेस मिलती है तो क्या होता है, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी उनके अंदर डेवलप होती है, मतलब वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। और अगर सक्सेस नहीं होते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं, फेलर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट, अगर वो फेल हो जाते हैं ये स्टेज में तो उनको खुद पर जो है डाउट आने लगता है और फीलिंग ऑफ शेम उनके अंदर डेवलप होने लगती है। क्लियर? तो ये स्टेज कब होता है, 18 महीने से लेके 3 साल के बीच में। क्लियर हुई बात? नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये स्टेज होता है 3 से 5 साल के बीच में, जिसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले की जो एज होती है वो, इसको हम प्ले एज कह सकते हैं। वर्शु है यहाँ पे पर्पस और इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, मतलब यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर करना होता है। चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर प्ले के जरिए, खेलकूद के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है खुद को। चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज फील केपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स। अब जो पेरेंट्स बच्चों को अलाउ करते हैं, इनकरेज करते हैं इस चीज़ में, तो यहाँ पर बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है और अपने आप को काबिल समझता है, केपेबल समझता है और दूसरों को भी लीड करवा सकता है। एंड दोज हु आर अनसक्सेसफुल डेवलप अ सेंस ऑफ गिल्ट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव। और जो यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ये स्टेज में, उनके अंदर क्या जाता है, गिल्ट आ जाता है एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव उनके अंदर डेवलप हो जाती है। क्लियर हुई बात? तो ये हुआ हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जहाँ पर बच्चा खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो ये स्टेज आता है 5 से 11 साल के बीच में, जिसको हम स्कूल एज पीरियड कहते हैं। वर्च्यू है यहाँ पे कंपीटेंसी और इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे स्कूल, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। अब सोशल डिमांड्स के साथ साथ बच्चे को एकेडमिक डिमांड्स को भी पूरा करना होता है। सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कंपीटेंस व्हाइल फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। अब बच्चा यहाँ पर ये स्टेज में अपनी हर एक चीज़ जो है दूसरों के साथ कंपेयर करता है, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करता है। ओके, सो अगर वो अपने स्कूल वर्क में, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, फैमिली लाइफ में अच्छा करता है, तो उसको उसके अंदर क्या आता है, अ सेंस ऑफ कंपीटेंस उसके अंदर डेवलप होती है, मतलब वो खुद को केपेबल समझता है, वो खुद को काबिल समझता है। लेकिन अगर वो यही सब चीज़ में फेल हो जाता है तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगती है, वो खुद को इन्फीरियर समझने लगता है, छोटा समझने लगता है। क्लियर हुई बात? तो ये हो गया इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब ये स्टेज आता है 12 से 18 साल के बीच में, जिसको हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। वर्शु है यहाँ पे फिडिलिटी और इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल सोशल रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मेन टास्क इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, ऑल्सो स्ट्रगल विद क्वेश्चन सच एज हु एम आई एंड वॉट डू आई वॉन्ट टू डू विद माई लाइफ। अब यहाँ पर एक पर्सन अपने जो है आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, सर्च करता है, ढूंढता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर भी स्ट्रगल करता है, जैसे कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, एंड व्हाट डू आई वांट टू डू विथ माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करता है ये स्टेज में। एडोलेसेंट हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो यहाँ पर ये स्टेज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी अचीव कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। व्हाइल फेलर लीड्स टू रोल कन्फ्यूजन एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ। और जो फेल हो जाते हैं ये स्टेज में, उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो अपने रोल को लेकर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर भी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, सो यही है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये स्टेज आता है 19 से 40 साल के बीच में, जिसको हम यंग एडल्टहुड पीरियड कहते हैं। वर्शु है लव और इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर लव रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर एक
इंडिविजुअल इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी रहता है। अगर उसने पहले वाले स्टेज में मतलब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में अपनी आइडेंटिटी अचीव कर ली है तो वो अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए ये स्टेज में रेडी रहेगा। ओके, यंग एडल्ट्स नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप व्हाइल फेलियर रिजल्ट इन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। अगर उसने आइडेंटिटी अपनी अचीव कर लिया है तो यहाँ पर वो इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म कर सकेगा, अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म कर सकेगा, सक्सेसफुल रहेगा। और अगर उसने अपनी आइडेंटिटी अचीव नहीं की है, पहले वाले स्टेज में वो अनसक्सेसफुल है, फेल हो गया है, तो ये स्टेज में भी वो फेल हो जाएगा और जो है अकेला रह जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये हुआ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये स्टेज आता है 40 से 65 साल के बीच में, 40 टू 65 ईयर्स के बीच में, जिसको हम एडल्टहुड पीरियड भी कहते हैं। वर्चू है यहाँ पे केयर और इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे वर्क एंड पेरेंटहुड। जेनरेटिविटी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग योर लाइफ्स वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स थ्रू एक्टिविटीज सच एज वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन। अब अगर जो जेनरेटिविटी में है पर्सन, तो वो अपने लाइफ्स वर्क में इन्वॉल्व होता है और उसी के साथ साथ दूसरों के डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उनको वॉलंटियर करता है, मेंटर करता है, सिखाता है और साथ ही साथ अपने बच्चों की देखभाल भी करता है, पेरेंटहुड में भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं करते हैं, दोज हु डू नॉट मास्टर दिस टास्क मे एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। वो रुका हुआ फील करते हैं, स्टैग्नेंट फील करते हैं ये स्टेज में, अगर वो ये सारी एक्टिविटीज़, ये टास्क नहीं कर पाते हैं तो, एंड फील एज दो दे आर नॉट लिविंग अ मार्क ऑन द वर्ल्ड इन अ मीनिंगफुल वे। और वो ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने कुछ मीनिंगफुल वे में वर्ल्ड पर कुछ मार्क छोड़ा ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से वो फील करने लगते हैं। तो जो भी जनरेटिविटी में होता है वो दूसरों के लिए केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, और अगर वो ऐसा सब नहीं कर पाते हैं तो वो स्टैग्नेंट फील करने लगते हैं, मतलब रुका हुआ फील करने लगते हैं। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि एरिक्सन की थ्योरी का लास्ट स्टेज है और ये होता है 60 साल से लेकर एंड ऑफ द लाइफ तक का। ये पीरियड को हम ओल्ड एज पीरियड भी कहते हैं। वर्च्यू है यहाँ पे विजडम और इम्पॉर्टेंट इवेंट है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, मतलब एक पर्सन अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता है। सक्सेस इज इन द बिलीफ वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स एंड फाउंड हैप्पीनेस लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल अपनी जो है गोल्स को अचीव कर लेता है, अपने हैप्पीनेस फाउंड कर लेता है और ये सब चीज़ में सक्सेसफुल रहता है, तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी डेवलप होती है, वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट समझता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड फेलर मे बी एक्सपीरियंस्ड एज डिस्पेयर। और अगर वो अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव नहीं किया है, अपने हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पाया, तो यहाँ पर वो क्या एक्सपीरियंस करता है? डिस्पेयर, गिव अप कर देता है एंड रिग्रेट ओवर थिंग्स नॉट डन, कंप्लीटेड और मिस्टेक्स मेड। और रिग्रेट करता है वो सारी चीज़ों पर जो उसने अपनी लाइफ में नहीं की है, कंप्लीट नहीं की है और जो जो मिस्टेक्स किए हैं अपनी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो रिग्रेट करता है और गिव अप कर देता है। ओके, सो यही हुआ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आई होप आपको एरिक्सन की थ्योरी के 8 स्टेजेस इस सेशन से क्लियर हुए होंगे। अब हम समझते हैं उसके इस थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशन क्या है। So one of the strength of psychosocial theory is that it allow us to emphasize the social nature of human beings. ये थ्योरी ह्यूमन बींग के सोशल नेचर को एम्फसाइज करता है, मतलब बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दो, उनको इनकरेज करो कि वो सोशली भी एक्टिव हो सके। ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस दैट सोशल रिलेशनशिप्स हैव ऑन डेवलपमेंट। और ये थ्योरी बताता है कि बच्चों के डेवलपमेंट पे सोशल रिलेशनशिप कितना इन्फ्लुएंस करता है, कितना उसका असर होता है। सम रिसर्च सजेस्ट दैट पीपल हु फॉर्म स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटीज ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर बेटर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड। मतलब बहुत सारे रिसर्च ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चा, जो एडोलेसेंट एडोलेसेंस में अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है, अचीव कर लेता है, स्ट्रगल करने के बाद अपनी आइडेंटिटी अचीव कर लेता है, तो उसके बाद वाले स्टेज में वो इंटीमेट रिलेशनशिप आसानी से बना सकता है, उसके लिए केपेबल होता है। तो ये स्ट्रेंथ है ये थ्योरी की। लिमिटेशन ये है कि मोर अटेंशन इज पेड टू इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड देन टू एडल्ट लाइफ। एडल्ट लाइफ से ज़्यादा इन्फेंसी और चाइल्डहुड पर फोकस किया गया है और उसको अटेंशन दिया गया है।
इट लैक्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस टू सपोर्ट इट. एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस कोई नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए ये थ्योरी को, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज की गई है जो है अलग अलग कल्चर को लेकर, ये थ्योरी को लेकर, ठीक है. तो केस स्टडीज की गई है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है ये थ्योरी को लेकर. तो ये इसके लिमिटेशंस है. सो आई होप आपको स्ट्रेंथ और लिमिटेशन भी समझ गया होगा. तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन गाइस खत्म होता है. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.